सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। Everything is possible in the world, nothing is impossible, यानी कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो असंभव हो। ऐसा काम जिसे हमने करने की ठानी उसे तो होना ही था। यही संदेश लेकर आ रही है आज की MC वर्कशीट नंबर 22। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी MC क्लास में और मैं हूं आपका आशीष सर। प्यारे दोस्तों, MC सिर्फ 9th से लेकर 12th तक के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के हर एक मोड़ पर आपको काम आती रहेगी, इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को, परिचितों को और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आई कैन, यानी कि मैं कर सकता हूँ, और अगर आप लड़की हैं तो कहेंगे मैं कर सकती हूँ। मजेदार वीडियो है, इंटरेस्टिंग है, तो हम इस वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसा आपके साथ इस लॉकडाउन में बहुत हुआ होगा, दो दोस्त आपस में बात करते हैं, क्या बातें कर रहे हैं, मेरा अगले सप्ताह विद्यालय में रहे भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का बहुत मन है, एक दोस्त कहता है। दूसरा कहता है, यह तो बहुत अच्छी बात है दोस्त, क्या तुमने अपना नाम प्रतियोगियों की सूचियों में लिखवा दिया? तो दूसरा दोस्त कहता है, हाँ यार लिखवा तो दिया। तो फिर से कहता है पहला वाला, क्या पहले कभी भाग लिया है, क्या तुमने पहले कभी भाषण दिया है? तो दोस्त कहता है, यार भाषण तो मैंने आज तक नहीं दिया। तो फिर वो कहता है, यार फिर कैसे करोगे? तो दोस्त कहता है, यार कोशिश करूंगा, पहले भाषण लिख तो लूं, उसके बाद देखता हूं कैसे करना है। प्यारे बच्चों, आपकी लाइफ में भी पल पल ये होता रहता है, और हम बड़े हो गए तो अक्सर होता है, हम जीवन में जब भी कोई काम पहली बार करते हैं तो आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, और कुछ हमारे अपने ही हमें टांग खींच के पीछे कर देते हैं, हम उसे काम को शुरू ही नहीं करते, या तो मुश्किलें आती हैं और घबरा करके उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। काफ़ी सारे बच्चे इस वीडियो को भी बीच में ही छोड़ कर चले जाते हैं क्योंकि आत्मविश्वास की कमी रहती है। लेकिन सफलता की परवाह किए बिना आत्मविश्वास के बल पर हम अपने आप पर भरोसा करते हुए मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, हम उस कार्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे भागों में बांट करके उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता, बस थोड़ा सा वो काम शुरुआत में बड़ा लगे लेकिन उसे हम छोटे छोटे हिस्सों में बांटें तो वो काम हो जाता है। इस लॉकडाउन में हमने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं, आज की वर्कशीट में आपको एक्सपीरियंस होने वाला है और आपको याद वो दिन आने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला पार्ट है EMC का, करके देखते हैं, क्योंकि EMC करके देखता है और हमें करके सिखाता है। यहाँ पर नीचे कुछ चुनौतियाँ दी हैं, इन चुनौतियों को आप पहले से देखें और इनमें से किसी एक को आपने चुनना है। पहली चुनौती है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती, अक्सर ये प्रॉब्लम होती है और आजकल लॉकडाउन में तो खासकर, स्कूल बंद है ना, घर में है तो क्यों जल्दी उठना। मेरा प्रोजेक्ट कभी भी समय पर पूरा नहीं होता, आजकल प्रोजेक्ट भी आपके लिए दिए हुए हैं, कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, सिक्किम प्रोजेक्ट, तो ये समझ में आ रहा होगा कि मेरा प्रोजेक्ट कभी टाइम से पूरा ही नहीं होता। तीसरी मुश्किल चुनौती, मुझे अपनी वर्कशीट खुद करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। और चौथी है कि मैं बड़े होकर क्या बनना चाहती हूँ मुझे समझ ही नहीं आता, और अगर समझ भी आता है तो मैं अपने पेरेंट्स के सामने हिचक जाता हूँ, संकोच हो जाती है, कैसे मैं पेरेंट्स को बताऊँ, कैसे मैं अपने टीचर को बताऊँ, कैसे अपने दोस्तों को बताऊँ, और मुझे टीचर से प्रश्न पूछने में घबराहट होती है। अक्सर बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है, जो कि प्रॉब्लम ही नहीं रहती है लेकिन वो प्रॉब्लम है कि वो टीचर से प्रश्न पूछने में घबराते हैं। तो प्यारे बच्चों, इनमें से हमने किसी एक चुनौती को लेनी है, चाहे तो आप सुबह उठने की ले लीजिए। तो चलिए हम सबसे लास्ट वाले को लेते हैं कि मुझे टीचर से प्रश्न पूछने में घबराहट होती है। अक्सर बच्चे हमसे भी प्रश्न पूछने में घबराते हैं, इतना फ्रैंक होने के बावजूद भी अगर आप भी हैं तो कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे। तो चलिए हम इस सबसे लास्ट वाली चुनौती को लेते हैं। अगला स्टेप, चुनी हुई चुनौती पर सोचिए, इस कार्य को पूरा करने में आपको इसे कौन कौन से छोटे छोटे लक्ष्य में बांटना होगा।
10 मिनट का समय लेना है और उन स्टेप को नीचे फ्लो चार्ट दिया उसमें दिखाना है। तो 10 मिनट आपने इस टॉपिक पे सोचना है, इस चुनौती पे सोचना है कि मुझे टीचर से प्रश्न पूछने में घबराहट होती है तो क्यों होती है, आखिर मैं टीचर से प्रश्न पूछने में क्यों घबराती हूँ, मैं क्यों घबराता हूँ, क्या मैंने कोई गुनाह किया, क्या मैंने कोई पाप किया है, क्या मैंने कोई जुर्म किया है, तो फिर आखिर मैं टीचर से प्रश्न पूछने में घबराता क्यों हूँ। तो सोचिए और हम इसके बाद इसके 3 स्टेप पे बढ़ते हैं और अपने इन 3 स्टेप में उस काम को आसान करने की कोशिश करनी है। पहला स्टेप यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा यहाँ पे लिखेंगे और तीसरा यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए थोड़ा आप सोचिए और तब तक हम इस वीडियो को थोड़ा सा रोकते हैं क्योंकि इसके बाद हम आपके साथ आएंगे कि आपने कितना सोचा। तो थोड़ा सा वीडियो को आपने रोकना है और इस चुनौती पर सोचना है। तो उम्मीद करूंगा आपने इस टॉपिक पे विचार किया होगा। तो चलिए पहला स्टेप हम लेते हैं, इसे स्टेप में हमने बांटना है। सबसे पहला काम हमने करना है, जब टीचर से बाकी बच्चे सवाल पूछ रहे हों तो हमने उन्हें ध्यान से सुनना है कि आखिर जो दूसरे बच्चे सवाल पूछते हैं वो कैसे पूछ लेते हैं, उनके सवाल कैसे होते हैं। और आपको लगेगा कि उनके सवाल भी तो मेरी ही तरह थे, उनके सवाल भी तो मेरी तरह से आसान से थे, फिर भी उन्होंने पूछा ना। तो पहला स्टेप क्या लिखोगे कि हमने दूसरे बच्चों को सवाल करते हुए बच्चों को देखना है और उन्हें सुनना है, उन्हें समझना है कि क्या वो सवाल कैसे पूछते हैं। दूसरा स्टेप मन बना देना है कि अब हमें भी पूछना है, बस सवाल सही हो गलत हो उसकी परवाह किए बिना बस सवाल पूछना है। और प्यारे बच्चों मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं, जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था तो मैं तो टीचर से बस सवाल कर देता था। कई बार टीचर कहते थे कि इतना भी नहीं पता, मैं कहता नहीं पता सर, नहीं पता क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, आप टीचर हो आप बता दीजिए ना। तो कई बार तो मेरे ऐसे अजीब और गरीब सवाल होते थे कि टीचर बड़ा परेशान हो जाते, लेकिन मैं सवाल पूछने से कभी हिचकिचाता नहीं था और यही कारण है कि आज मेरे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है। तो यहाँ पर आपने दूसरा मन बनाना है कि हमने सवाल पूछना है तो पूछना है, सही और गलत की परवाह किए बिना। और तीसरा स्टेप बस सवाल पूछ देना है। और जब आपको लगेगा कि मेरा सवाल इतना गजब था कि बाकी बच्चों का भी उससे काम बन गया तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, सवाल पूछोगे। और प्यारे बच्चों मैं एक बात बता दूं, सवाल पूछना कोई गलत बात नहीं है, सवाल पूछा कीजिए। और सबसे अच्छे टीचर को वही बच्चे लगते हैं जो सवाल पूछते हैं, जो डाउट रखते हैं और जो डिस्कस करते हैं। तो बस आपने ये कॉन्फिडेंस रखना है कि जो मेरा सवाल है वो बहुत अच्छा है और टीचर और बाकी बच्चे उसी सवाल का इंतजार कर रहे थे। तो हो गया ना आपका आसान। कितने बच्चे हैं जो टीचर से सवाल पूछने में डरते थे, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ये भी बताना कि क्या आज के बाद भी आप सवाल करने से डरोगे, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो आपने सवाल पूछना है। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा बैक में आते हैं और इसी तरह से आपने सुबह उठने की प्रॉब्लम को रखना है, धीरे धीरे उठने का प्रयास करना है, रात में जल्दी सोने का प्रयास करना है, समय से सोना है, समय से उठना है, अलार्म का प्रयोग करना है और ठानना है। सबसे पहला काम कि आपने ठानना है मुझे सुबह उठना है तो सारे काम हो जाते हैं। इसी तरह से प्रोजेक्ट करना, वर्कशीट को करना और मुझे बड़े होकर क्या बनना, तो ये आपका लक्ष्य जरूर पूरा होगा। और चलिए इसके अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर है कि इस जो टॉपिक था आपका उसको जो आपको अपना लक्ष्य पूरा करने में मदद कर सकते हैं उनके नाम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपके दोस्त हैं यहाँ पर क्लास में, कुछ दोस्तों ने आपको पुश किया होगा, पूछना पूछना सवाल पूछ, तो आपके दोस्त हो सकते हैं, यहाँ पर आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा ने माता पिता ने कहा कि बेटा पूछा करो, सवाल पूछा करो, डरते नहीं है, तो आपके मम्मी पापा हो सकते हैं। हो सकता आपके टीचर हो यहाँ पर, यस आपके टीचर ने भी कई बार पूछा होगा कि बेटा आप क्यों नहीं पूछते हो, आप भी पूछा करो, डाउट निकाला करो, तो यहाँ पर आप अपने दोस्तों के नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप अपने माता पिता भाई बहनों का नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर अपने टीचर या कोई भी आपका क्लासमेट हो सकता है। तो इस तरह से आप उनके नाम लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं और ये चुने हुए कार्य को स्टेप में बांट कर करने में आपको क्या समझ आया। तो अगला स्टेप हमारा कि आप अपने, तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये लिखोगे कि आपको क्या समझ आया इसे जब स्टेप में बांटा, तो स्टेप में बांटने पर हमें ये समझ आया कि हमें काम जो बड़ा लग रहा था वो कम में बहुत छोटा लगा,
है ना। तो स्टेप में बांटने से यही तो फायदा होता है। इतना बड़ा काम है, हमने उसे तीन हिस्सों में बांट दिया, इसे संडे को करेंगे, इसे मंडे को करेंगे, इसे ट्यूजडे को करेंगे, तो तीन दिन में हमारा काम हो गया। लेकिन जब हमने इसी काम को बड़ा समझा और उसे हम देखते रहे, लेकिन वो काम तीन दिन का वो तीन हफ्ते में भी नहीं हो पाएगा। तो स्टेप में बांटने से क्या समझ आया कि काम हो सकता है, क्लियर है, सब कुछ हो सकता है। दूसरा है अपने निजी जीवन में बड़े या मुश्किल कार्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटना आपको कैसे मदद करेगा। तो बस छोटे स्टेप में बांटने से वो काम हमें हल्का लगता है, आसान लगता है। माना कि हमने 10 रोटी खानी है, रोटी से समझो आप, अगर आपको लगे कि ओ माय गॉड 10 रोटी खाऊं, लेकिन आपने एक दिन तीन खाई और अगले दिन चार खा ली, तो ये तो बड़ा आसान था। लेकिन आपको लगे माय गॉड 10 रोटी, कोई भी काम हो, ये रोटी तो आप कहोगे सर मैं 20 खा लूँ, लेकिन कोई भी काम हो इसी तरह से होता है। अगर हम उसे ओवरऑल देखेंगे तो वो बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब छोटे छोटे पार्ट में हम उसे बांटते हैं तो वो कैसे मदद करता है, बड़ा आसान लगता है और उस काम को करने में आपको बड़ा मजा भी आता है। तो प्यारे बच्चों, अगला जो स्टेप है वो है नए मौके ढूंढना। जी हाँ, अक्सर हमें नए मौक़ों की तलाश होती है और हम ऐसे ही मौके की तलाश करते हैं जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है, आई कैन डू इट, तो उसके बाद हम उसे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये एक्सपीरियंस आपके साथ हो रहा होगा, आइए सीखते हैं। आजकल बहुत से विद्यार्थियों की ऑनलाइन क्लास हो रही है, बहुत से नहीं बल्कि यहाँ पर गलत वर्ड दिया, ये सारे ही बच्चों की ऑनलाइन क्लास ही हो रही है ना। मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हो, आपके और आपके अध्यापकों के लिए यह एक नया काम है। प्यारे बच्चों, आपके लिए भी बड़ा नया काम था, लेकिन हमारे लिए बहुत ही एक नई चुनौती थी, स्टार्ट करना था। इसमें चुनौतियाँ भी हैं, आपको भी चुनौतियाँ लगी होंगी। आज तो बड़ा मजा आता है, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत चुनौतियाँ थी, साथ ही बहुत कुछ नया सीखने और नया करने का अवसर भी था। अगर हम नया सीखने का हमारा मन था तो हमने सीखा। अब अपने दोस्तों और अध्यापकों से बात करने के बाद नीचे तालिका है और उसे आपने भरना है। तो ये तालिका आपके लिए है, जिसमें कि टीचर्स के लिए भी है और आपके लिए भी है, विद्यार्थियों के लिए है और ये अध्यापकों के लिए। तो ये है चुनौतियाँ, उसके बाद अगला स्टेप है करने का अवसर, उसके बाद क्या क्या सीखा और क्या कर सकते हैं, यानी कि और क्या कर सकते ज़्यादा। तो चुनौतियाँ, ऑनलाइन क्लास की बात करें तो चुनौतियाँ क्या थी, मोबाइल फ़ोन का ना होना पहली चुनौती थी, मोबाइल फ़ोन नहीं था। दूसरी चुनौती थी इंटरनेट नहीं था। तीसरी चुनौती थी एक ही फ़ोन से 2, 4, 5, 6 भाई बहन काम करते हैं और अगली चुनौती कि घर वाले फ़ोन ही नहीं देते थे, है ना। तो चुनौतियाँ यहाँ पर कितनी थी आप वो लिख सकते हैं। करने का अवसर, नया करने का अवसर था, नया सीखने का अवसर था। प्यारे बच्चों, किताबों से पढ़ते थे, कॉपियों से पढ़ते थे, क्लासरूम था, टीचर सामने थे, लेकिन इस बार नया करने का अवसर था। तो यहाँ पे लिखोगे नया करने का, ऑनलाइन पढ़ने का, टेक्नोलॉजी को जानने का अवसर था। इससे पहले हमें यूट्यूब का नहीं पता था, इससे पहले हमें गूगल मीट का नहीं पता था, इससे पहले हमें जूम का नहीं पता था और इससे पहले हमें लाइव क्लासेस का भी नहीं पता था। लेकिन क्या करने का अवसर, कुछ नया टेक्नोलॉजी, क्या सीखा, क्या किया, क्या सीखा। तो हमने क्या सीखा, एक तो YouTube से पढ़ना सीख लिया, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है हमने Google Meet से पढ़ना सीखा, लाइव क्लासेस सीखी। तीसरी चीज, हमने टेक्नोलॉजी का यूज करना सीखा। और क्या और कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप और क्या कर सकते हो इस वाले बॉक्स में लिखेंगे कि हमें और स्मार्ट बना सकते हैं, क्लास को कैसे मैनेज कर सकते हैं। और मैं तो सच बताऊँ ना, तो ये वाले स्टेप मुझे बच्चे ही सिखाते हैं, और क्या कर सकते हैं, बच्चे कहते हैं सर ये वाले कर दो। और अगर मैं अपनी क्लास की बात करूँ तो मेरी क्लास 9th B, वो बच्चे मुझे इतना सिखाते हैं और नया नया करने के लिए प्रेरित करते हैं और अध्यापकों के लिए। ये मैं अपने लिए बताऊं क्या चुनौती थी स्टार्टिंग में, मुझे भी टेक्नोलॉजी, हालांकि मुझे इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में, लेकिन नया था, बच्चे कैसे जुड़ेंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। हालांकि मेरा यूट्यूब चैनल पहले था, लेकिन मुझे थोड़ी सी हेल्प मिली, नया काम था, चुनौती थी कैसे पढ़ाएं, कैसे बच्चों को जोड़ें, कैसे बच्चों की लाइव क्लास लें, बच्चे पेरेंट्स भी वहाँ पे साथ में होंगे, पेरेंट्स क्या सोच रहे होंगे। चुनौती थी, करने का अवसर था। मैंने कहा मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ और मुझे करना पड़ेगा। नया करने का अवसर, टेक्नोलॉजी को जानने का अवसर था। क्या क्या सीखा मैंने, तो मैंने तो ये ना बताऊँ, मैं इतना सब कुछ सीखा मैंने कि मैं बता नहीं सकता, अपनी फीलिंग मैं यहाँ पर बयां नहीं कर सकता। मैंने टेक्नोलॉजी से मोबाइल को यूज़ करना, टैब को यूज़ करना, उसमें गूगल मीट, क्लासरूम और ना जाने बहुत कुछ सीखा साथ में, और नया करने का। तो बस यही है कि अब ऑनलाइन पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू किया जाए। हमारे स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई हमारी फिर भी जारी रहेगी, मेरा यूट्यूब चैनल कंटिन्यू रहेगा और आपकी हमेशा मदद करता रहेगा। तो प्यारे बच्चों, अगला जो स्टेप है वो है कि कोई एक काम
जो आपको मुश्किल लग रहा था। तो देखो, स्टार्टिंग में ऑनलाइन क्लास थी, हमें मुश्किल लग रहा था, कैसे करेंगे, कैसे टीचर पढ़ाएंगे, लाइव क्लास होगी, घर में होंगे, फोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मुश्किल लग रहा था, है ना। कोई काम नया था, नया ऑनलाइन था, लाइव क्लास थी, मुश्किल लगा, तो आपने कर लिया। आज आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो। आज मैं जैसे ही गूगल मीट को ऑन करता हूँ, तो ऑन करने से पहले मेरे पास 15 बच्चे तो ऐसे रहते हैं जो कनेक्ट हुए रहते हैं, बस मैं ऑन करता हूँ और वो खटाखट से वो जुड़ जाते हैं, है ना। और अध्यापकों ने इस स्थिति का लाभ कैसे उठाया, तो मैं खुद अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर बता रहा हूँ, आप भी यहाँ पर मेरे एक्सपीरियंस को ऐड कर सकते हैं। अध्यापकों ने भी इस स्थिति का जमकर लाभ उठाया, काफ़ी प्रॉब्लम भी आई, प्रॉब्लम को लड़ते हुए, सामना करते हुए, बच्चों के घर कॉल किया, पेरेंट्स को मनाया, उन्हें बताया ऑनलाइन क्लासें कैसी होती हैं। कई पेरेंट्स ऐसे आए कि उल्टा हम पे ही भड़क गए, क्या करें, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी हमने इस स्थिति का लाभ उठाया और आज मैं टेक्नोलॉजी का अपने आप को मास्टर समझता हूँ। आई थिंक आप भी टेक्नोलॉजी से अपने आप को और अच्छे से समझ चुके होंगे। तो कैसी लगी आज की वीडियो वर्कशीट, क्या आप कर सकते हैं और ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते हैं? मुझे कमेंट में आप बताएंगे कि ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये EMC की वर्कशीट है, ये 9th से 12th नहीं बल्कि ज़िंदगी जीना सिखाती है और ज़िंदगी जीना हर कोई सीख सकता है। धन्यवाद।